नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वादियां बनी बर्फिस्तान और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। उत्तर भारत में जारी है सर्दी का कहर। जी हां, हर सर्द हवाओं के साथ मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो सकती है तेज गरज के साथ बारिश। ये ठंड का तांडव है। देश में सर्दी का कहर जारी है। देश के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस ठंड के चलते मैदान तक जमे हुए नजर आ रहे हैं। कड़ाके के कोहरे के साथ ही बारिश भी हो रही है। बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। कई राज्यों में शीतलहर के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरने के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में सोमवार से शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। ये दौर 4 दिन तक बरकरार रहेगा। तो वहीं रविवार को महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। तो बता दें कि मौसम बेहद सर्द हो चुका है और उसके साथ ही बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। बर्फबारी हो रही है घाटी में। घाटी बर्फिस्तान बन चुकी है, सफेद चादर से ढकी हुई है। और ऐसे में अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी पारा काफी गिर चुका है, बल्कि कई जगह पर तो मैदानों में घासों पर और कार की छतों और शीशों पर बर्फ की परतें तक जमी हुई मिलती हैं सुबह ही सुबह। इसी के साथ मेरे साथ हमारे संवाददाता सुरेश जालौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रमेश पुरोहित जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे जालौर के हालात क्या हैं, कितना वहां पर पारा इस वक्त बता रहा है मीटर और किस तरह की ठंड पड़ रही है? बिल्कुल भानु, देखिए अगर जालौर की बात की जाए तो जालौर में 2 दिन से कोहरे की अगर बात की जाए तो कोहरा बिल्कुल नहीं है और न्यूनतम तापमान है वो 2 डिग्री से बढ़कर जो है 11 डिग्री पर पहुंच चुका है। और मौसम के अनुसार अगर जिले भर का तापमान जो है उसमें परिवर्तन आया है, जिसके चलते कुछ दिनों में जो कोहरे से लोगों को भी राहत मिली है। कोहरा हटने के बाद आसमान एकदम जो है पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है, जिसमें न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है, जिसके चलते लोगों को सर्दी से भी राहत मिली है। और अधिकतम तापमान में कमी के चलते जो अल सवेर जो और रात के अंदर जो सर्दी का असर है वो लगातार कायम है। जी जी सुरेश, अगर बात करें सर्दी की, सुबह का वक्त है, किस तरह की सर्दी वहां पर अभी पारा क्या कुछ कह रहा है, आपका मीटर क्या कुछ कह रहा है, कितना तापमान है, लोगों को कैसा अनुभव हो रहा है? क्योंकि देखिए, जाहिर है सर्दी पहले से ज्यादा पड़ रही है और ऐसे में अगर मैदानी इलाकों में लोगों को ठंड लगती है, सिकुड़न होती है, तो जाहिर है जो मौसम है वो अपने आप में बदल चुका है, अपने आप में बता रहा है कि इस मौसम में थोड़ा सा बच के रहें। बिल्कुल बानू, देखिए जालौर जिले की अगर शहर की बात की जाए तो सुबह शहर में जो है सुबह से अल सवेरे जो है वो सर्दी का असर तो जारी है। दिन भर शीतलहर चल रही है, जिससे लोगों का जो है दिन में भी अलाव का सहारा लेना पड़ता है। अगर बात की जाए न्यूनतम तापमान की तो 11 डिग्री और इससे बढ़कर 23 डिग्री पर पहुंचा हुआ है। और मौसम विभाग की बात की जाए बानू तो
मौसम विभाग में बदलाव जरूर आया है और इसके चलते जो अगर किसान है तो किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। गत दिनों कोहरे के प्रभाव के कारण किसान बिल्कुल जो परेशान थे, किसानों के द्वारा जो है जीरा, इसबगोल, वारंटी की फसलें बोई गई थी उसपे पाला पड़ने से किसानों को जो नुकसान हो रहा था उसका भय था और वो नुकसान जो है अब वो बह नहीं रहे हैं और किसानों को जो है एक फसलों को जीवन दान मिला है। जी जी चलिए, जयपुर से रमेश पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जिस तरह से कहा जाता है कि गुलाबी शहर है और गुलाबी शहर की ठंड भी बेहद गुलाबी होती है, अपने आप में बेहद खुशनुमा होती है, लेकिन ठंड होती है, क्या कुछ हालात हैं जयपुर के, किस तरह का पारा है यहाँ पर, क्या कुछ कह रहा है मीटर? गुलाबी नगर की बात करें तो यहाँ की जो सर्दी भी है वो बहुत जबरदस्त होती है और अक्टूबर से लगा के लगभग मार्च, समझ लीजिए मार्च के महीने तक सर्दी का सीजन रहता है, पर्यटकों की आवाजाही रहती है। तो छुट्टी के जब दिन होता है जैसे सैटरडे और संडे दो दिन की छुट्टी रहती है तो कल बाजारों में जो है काफी रौनक दिखाई दी, भीड़ दिखाई दी और लोग बाग जो है इस मौसम का एंजॉय लेते नजर आए। ये तो है एक तरह की। दूसरा, मौसम का जो बदलाव है वो अभी राजस्थान के ऊपर से और उत्तरी भारत के ऊपर से एक पश्चिमी जो विक्षोभ जो तंत्र बना हुआ है, मौसमी तंत्र, वो गुजर रहा है। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सेंटर से निकल रहा है। तो सर्दी का असर जो पिछले 3-4 दिन से जो दिखाई दे रहा है ये उसका नतीजा है। और जहां तक सर्दी की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाके, खास करके जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो बर्फबारी जो तेज हो रही है उसकी जो ठंडी हवाएं हैं वो मैदानी इलाकों की तरफ भी जो है बह रही है। इस लिहाज से पूरा जो उत्तरी भारत है वो अभी कड़ाके की ठंड की चपेट में है, खास करके राजस्थान के उत्तरी जो क्षेत्र है जिसमें गंगानगर, बीकानेर, आपके चूरू, हनुमानगढ़ और ये जो इलाके हैं और खास करके पश्चिमी राजस्थान से होता हुआ जो बेल्ट है उसमें सर्दी का असर काफी दिखाई दे रहा है। और इसमें भी अगर बात करें तो दिन भर जो है ठंडक जो शीतलहर जैसी तो स्थिति नहीं, लेकिन हाँ जो है सर्दी का असर बहुत तेज दिखाई दे रहा है और आगामी अगर 2-3 दिनों की अगर बात करें तो इसी तरह का मौसम रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ तंत्र के साथ में जो एक मौसमी जो तंत्र साथ में सक्रिय हुआ है उसका ये असर दिखाई दे रहा है। और लिहाजा दिन के जो जो तापमान है वो गिरावट है और बिल्कुल रमेश बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मौसम की ये जो ठंड है, हालांकि उस तरह की अभी शीतलहर जयपुर में तो नहीं दिख रही है। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 12 बजे और 3:30 बजे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। खेतों से खलियानों से, सड़कों की बदलती सूरत से, शिक्षा में बढ़ते कदमों से, पक्के होते मकानों से, तकनीक से दक्ष किसानों से, खुशहाल होते गांव से, बदलते वक्त के साथ बदलती गांव की तस्वीर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वादियां बनी बर्फिस्तान, ठंड का मौसम है, ठंड का कहर
देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाके भी इससे अछूते नहीं हैं। जितनी बर्फबारी घाटी में हो रही है उतनी ही ठंड मैदानों में भी बढ़ रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जोधपुर के क्या कुछ हालात बने हुए हैं, किस तरह की वहां ठंड है और क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल भानु, बताना चाहूंगा कि जोधपुर शहर में कल दिन भर बादल छाए रहे, शीतलहर और ठंडी हवाएं चलती रही। पूरे प्रदेश के अंदर कोल्ड डे चल रहा है। जो तापमान है जोधपुर का, कल जो देर शाम तक जो तापमान नापा गया था वो 10 डिग्री टेम्परेचर नापा गया। इसके अलावा आसपास के जो जिले हैं, चाहे बाड़मेर है, सिरोही है, जैसलमेर है या माउंट आबू है, माउंट आबू की बात करें तो वहां पर 0.5 डिग्री तापमान है नापा गया। तो ठंड जो है पूरे प्रदेश के अंदर उतनी ठंडी हवाएं चल रही है, इसके साथ बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग ने कल एक अलर्ट जारी किया था कि 11 जो शहर है उनके अंदर शीतलहर जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ठंड का असर अभी भी बरकरार है। लोग जो है इस ठंड से बचने के लिए अलाव और दूध चाय का सहारा ले रहे हैं। जी बानू जी, जितेंद्र बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन जिस तरह से मैदानी इलाकों में इस वक्त ठंड देखी जा रही है, इसको लेकर गरीबों के लिए, मुसाफिरों के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि प्रशासन की ओर से रैन बसेरे जगह जगह, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, या चाहे फुटपाथ के जो जहां पे अधिक मुसाफिर जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो रैन बसेरे लगाए गए हैं वहां पर जो है रजाई गद्दे और इनकी व्यवस्थाएं की गई है। और वहां पर एक विशेष जो न्यूज इंडिया की खबर चली उसके बाद वहां पर एक गार्ड भी तैनात किया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब ठंडी हवाओं को देखते हुए जो आम लोग हैं, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी जो है अपनी गाड़ियों के अंदर कंबल लेके चल रहे हैं ताकि कोई भी रात के वक्त अगर कोई व्यक्ति ठिठुरता हुआ नजर आए तो उनको कंबल दी जा सके। यानी प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि किसी को ठंड से जो है बचाया जा सके, हर संभव बचाया जा सके। तो निगम के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी है जो इसके सहयोग में साथ साथ चल रहा है। जी जी जितेंद्र, सप्ताह के आखिरी दिन, दो दिन, शनिवार और रविवार को जाहिर है छुट्टियां भी रहती हैं, तो कैसा क्या कुछ बाजारों का हाल रहा इस सर्दी में? जी बिल्कुल भानु, बताना चाहूंगा कि बाजार के अंदर अधिकांश जो है गर्म कपड़े हैं वहां पे भीड़ ज्यादा देखने को मिली थी। इसके अलावा बाजार के अंदर भीड़ हुई है लेकिन ठंड होने की वजह से इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि ठंडा मौसम है, लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं किया था क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। ठंडी हवाएं होने के कारण, क्योंकि परिवार जब भी बाहर निकलता है तो बच्चे साथ जाते हैं, तो बच्चों को बाहर घुमाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है, तो इसलिए बच्चों को जो है बाहर नहीं ले जाने के कारण वो घर के अंदर ही जो अपने, चाहे वो पकोड़े निकालकर या ऐसे स्वीट बनाकर जो है बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं छुट्टियों का। अधिकांश जो है परिवार घरों के अंदर रहे, कुछ लोग जरूर बाजारों के अंदर निकले थे जो गर्म कपड़ों की दुकानों पर नजर आए थे। जी जी बिल्कुल जितेंद्र। चलिए सुरेश, जिस तरह से जालौर की अगर हम बात करें तो जालौर में जिस तरह से गरीबों के लिए, मुसाफिरों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और अस्पतालों के हालात क्या हैं, क्योंकि देखिए ठंड है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं। बिल्कुल भानु, देखिए अगर गरीबों की और ठंड की बात की जाए तो जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से ये रैन बसेरे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, रैन बसेरे हो, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, तो पूरी तरह से प्रशासन की ओर से जो है नगर परिषद को ये आदेशित किया हुआ है कि किसी भी तरह से कोई गरीब लोग हो या फिर जो यात्री हो वो कहीं ना कहीं बीमार ना हो और सर्दी से ठिठुर ना जाए, इसको लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। और पुलिस की ओर से जो है कंबल भी वितरण की जा रही है, पुलिस की ओर से भामाशाहों का भी सहयोग लिया जा रहा है और भामाशाहों के द्वारा जो है बानो लगातार गरीब सारा लोगों को जो कंबल है वितरण की जा रही है और पूरी तरह से रैन बसेरे जो बनाए गए हैं उसमें भी व्यवस्था है। अगर हॉस्पिटल की बानो बात की जाए तो जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और वैक्सीनेशन की भी जो ड्राई रन का भी आयोजन किया गया था, इसके साथ साथ चिकित्सा विभाग और हॉस्पिटल प्रशासन जो है पूरी तरह से सख्त है और ऐसी कहीं कहीं जैसे गरीब या बीमार लोग हॉस्पिटल पहुंचता है तो तुरंत जो है जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने निर्देशित किया हुआ है, इसके आधार पर जो है इलाज में कोई कमी नहीं आने दे रहे। जी जी चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। भरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां से भी हालचाल जानेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई ठंड की, जो वादियों में जो बर्फबारी हो रही है, बर्फिस्तान जो वादियां बन गई हैं उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ भरतपुर से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता कपिल वशिष्ठ और मगन प्रजापत माउंट आबू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले भरतपुर का हालचाल जान लेते हैं। कपिल जी, भरतपुर मैदानी इलाका है, भरतपुर में कैसे क्या कुछ हालात हैं ठंड को लेकर, कितना यहाँ पारा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल भानु, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, श्रीनगर में जो बर्फबारी जो हो रही है उससे जो मौसम का जो मिजाज है वो सर्द बना हुआ है। सुबह की शुरुआत हमेशा कई दिनों से लगातार तेज सर्दी के बीच में हो रही है, इसके बाद में हल्की धूप ने लोगों को जो सर्दी से राहत दिलवाई है, लेकिन कल दोपहर जो मौसम ने अचानक पलटा खाया और आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया। बादल छाने और सर्द हवा चलने से सर्दी फिर से सवाब पर आ गई। ऐसे में लोग सर्दी में जकड़े हुए नजर आए। अधिकतम जो तापमान था वो 20 और न्यूनतम जो तापमान है रात्रि में वो 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले कई दिन से आसमान में बादल डेरा जमाए हुए हैं और मामूली बूंदाबांदी भी हुई थी, इसके बाद फिर बादल छाने से बारिश की संभावना अभी जो बनी हुई है। ऐसे में सर्दी जोर पकड़ रही है। शाम को सर्दी के तेवर तीखे होने से लोग सर्दी से बचाव के अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सर्दी के बीच लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। वहीं शाम को सर्दी जल्दी ही घरों में दुबक जाते हैं और तेज सर्दी के बीच लोग सर्दी और जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। खास तौर से बच्चे जो है वो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको सर्दी खूब सता रही है। शनिवार को जो आर्द्रता है वो 89% दर्ज की गई थी। मौसम विभाग ने भी अभी जो बारिश की संभावना जताई है। अगर बात करते हैं लोगों की, यहाँ क्योंकि जो भरतपुर है ये पर्यटन की दृष्टि से अब हिंदुस्तान में बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो केवला देव बना है, क्योंकि यहाँ पर जो शनिवार रविवार की छुट्टियां हैं, यहाँ शनिवार रविवार छुट्टियों के दिवस में ही सिर्फ जो सैलानी है वो घूमने के लिए देख जा सकते हैं। इसके बाद में सर्दी के सतम के चलते जो सैलानी है वो केवला देव घना जैसे और जो अन्य जो पर्यटक स्थल है वहां से दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए माउंट आबू का हालचाल जान लेते हैं। मगन प्रजापत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मगन, माउंट आबू जहां मैदानी इलाकों में बर्फ तक जम रही है, क्या कुछ हालात हैं इस ठंड में, क्योंकि पारा लगातार गिरता जा रहा है और जितना पारा मैदानी इलाकों में गिरता है उससे ज्यादा माउंट आबू में गिर जाता है। जी बिल्कुल बनो, आपको बताना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल कहा कि जो सर्दी जैसे ही यहाँ आती है तो माउंट आबू अक्सर सर्दी के दिनों में विशेष चर्चा में रहता है, और यहाँ की अगर सर्दी की बात की जाए तो यहाँ सर्दी के दिनों में अक्सर बर्फ की परत देखने को मिलती है। तमाम मैदानी इलाकों में जो बर्फ की चादर ही देखने को मिलती है। ऐसे में इसी के चलते जो पर्यटक है, आने वाला जो सैलानी है, इस बर्फ को देखकर काफी उत्साहित कर रहा है। इस तरह से भानु, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मौसम को लेकर यहाँ जो कपिल जी ने बताया कि कपिल जी के अनुसार जो वहाँ का जो क्षेत्र पर्यटन है उसी के हालत में अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग जो मौसमी बीमारियां है वो उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है और चिकित्सा महकमा को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हर रोज कोरोना के मामले में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। जी भानु जी, मगन पर्यटकों की आवक कैसी है इस बार, क्योंकि देखिए कोरोना जैसी महामारी से भी देश गुजर रहा है, तो इस बीच अगर ठंड का लुत्फ उठाने पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं तो क्या पहले की अपेक्षा ही आ रहे हैं या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है? बिल्कुल बानो, कोरोना काल में बदलाव काफी हद तक यहाँ पर्यटन नगर में काफी बदलाव देखने को मिला है। पर्यटन क्षेत्र में काफी जो पहले की अनुपालना में इस बार जो अगर पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए तो कम से कम 60% के आसपास कोरोना काल में यहाँ माउंट आबू पर्यटन क्षेत्र में असर पड़ा, जिसके चलते जो व्यवसायिक के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो काफी नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ा है। और अभी भी अगर बात की जाए कोरोना काल की, थानों में बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा पर्यटन क्षेत्र में अभी हाल अगर बात की जाए तो पर्यटन काफी कम आ रहा है और कोरोना का जो असर है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और बात की जाए सर्दी के दिनों में, लेकिन यहाँ कुछ लोग है जो अभी जो आवागमन थोड़ा सैलानियों का दिखा है, लेकिन जो आने वाले जो सैलानी है कुछ हद तक जो छुटपुट जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो पर्यटन नगरी के अंदर भ्रमण कर माउंट आबू में जो सर्दी का मौसम है और जो यहाँ बर्फ की परत देखने को मिलती है मैदानी इलाकों में, यहाँ काफी लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं सैलानी। लेकिन इसी बीच अगर एक भानु, एक तो बड़ी चीज ये समस्या है सर्दी के दिनों में जो यहाँ जो अभी की बात की जाए तो यहाँ पूरे आबू रोड से ग्रामीण क्षेत्रों से माउंट आबू के जो
यहाँ आसपास के इलाकों में जो यहाँ सर्दी के दिनों में या मौसमी बीमारियों का बनने का जो है सिलसिला भी जारी है, और निजी अस्पतालों के साथ साथ जो राजकीय चिकित्सालय है यहाँ जो मरीजों की संख्या में है कहीं ना कहीं इजाफा नजर आ रहा है, और यहाँ जो चिकित्सा महकमा है मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, लेकिन अभी भी जो है सर्दी से लेकर लोगों की अगर बात की जाए तो यहाँ सर्दी में लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लोग अल सुबहरी घर में जो 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 गर्मी के दिनों में 6:30-7 बजे घर से बाहर निकल जाते थे, लेकिन अभी इस की अगर बात करें तो 8:16 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी भानु लोग बिल्कुल नजर आ रहे हैं। जी भानु जी बिल्कुल, तो रमेश पुरोहित से पूछ लेते हैं। रमेश पुरोहित जी, जिस तरह से माउंट आबू की सर्दी है, इधर भरतपुर में भी हमें बताया कपिल वशिष्ठ ने, जयपुर में अगर हम बात करें बाजारों को छोड़कर अस्पतालों की, तो वहां क्या कुछ हालात आजकल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये ठंड है ऐसे में बीमारियां भी बढ़ती हैं। सही कह रहे हैं कि सर्दी के मौसम में जो है मौसमी बीमारियां भी ज्यादा होती है, खास करके सर्दी जुकाम और बुखार, ये एक सामान्य सी बीमारी है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए या कोरोना महामारी के प्रभाव का असर को देखते हुए हर कोई आजकल इससे बचना चाहता है सर्दी जुकाम बुखार से, इसीलिए जो है लोग बाग जो है अपने घरों में ही इस तरह की खान पान की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कि इस सर्दी का असर ज्यादा उनके ऊपर ना पड़े और वो सर्दी जुकाम और बुखार की जकड़ में ना आए। दूसरा के लोगों के जो खान पान का जो व्यवहार है वो इन दिनों बदला बदला सा नजर आ रहा है। बाजारों की अगर बात करें तो बाजारों में भी जो कहना चाहिए कि चाय की दुकानें हैं वो या नमकीन की दुकानें हो जिसमें पकोड़े वगैरह कचौरी मिलते हो गर्मा गर्म खाना पसंद कर रहे हैं, और इन दुकानों के ऊपर काफी भीड़ देखी जा रही है। सैटरडे कल था बाजारों में घूम रहा था तो लोगों को उन दुकानों पर ज्यादा देखने को मिला जहां पर की चाय या नमकीन ज्यादा जो है मिलती हो, लिहाजा खान पान के लिहाज से भी देखें तो गर्म तासीर वाले जो पदार्थ भोज्य पदार्थ है उनकी ओर जो है उनका झुकाव ज्यादा है। पिछले एक सप्ताह से जो जयपुर की अगर बात करें तो सर्दी का असर काफी दिखाई दे रहा है, लिहाजा खान पान में बदलाव की बात कर लो या अपने सेहत बिल्कुल बिल्कुल रमेश आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों का रुझान इस ओर ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप सभी ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को सर्दी को लेकर, ठंड को लेकर, कि कहाँ कुछ कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसा सर्दी का असर देखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक अहम जानकारी पहुँचाने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।